जय श्री महाकाल। चलिए हम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी फैमिली के साथ सभी जा रहे हैं। फाइनली हमने महाकाल भगवान के लिए प्रसाद ले लिया है और हम महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये आ गया है मंदिर। वाओ कितना खूबसूरत है। अरे दो ना हाथ है। ए कौन हाथ भरिए जी का हाथ धो लो उठा। मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। जय महाकाल। कौन आला तड़ी है पापा? थोड़ा दूर बनाए थे पर बनाए बेरन जी मूर्ति है वहाँ बटे बटे हम ले इस आप महाकाल कॉरिडोर के अंदर जाते समय ये बीच में देखो महाकाल के गुम्बद हमारे पीछे दिख रहे हैं, वो उनके दर्शन कर सकते हैं। देखो जबरदस्त है, मस्त है। ये देखो ये पूरा कंस्ट्रक्शन काम है, काम चल रहा है अभी। ये देखो हमारे पीछे ये देख सकते हो आगे का नज़ारा, बहुत सुंदर कारीगरी की हुई है, बहुत सुंदर है। तो देख सकते हो ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से मंदिर के अंदर जाने का द्वार है। महाकाल मंदिर मानसरोवर द्वार बोलते हैं जिसको, इसके अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। और ये सुप्रा नदी के किनारे बना हुआ है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देख सकते हो आप पूरा गार्डन है। ये देखो बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है। और सामने हमारे ठीक सामने महाकाल मानसरोवर जो गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार महाकाल, ये इसका भी दर्शन करवा देते हैं आपको। ये देख सकते हो ये देख सकते हो सुंदर। ये आप देख सकते हो ऊपर का नज़ारा और हमारे पीछे का नज़ारा बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। ये शेषनाग का जो मूर्ति बना है उधर है, आपको दिखा देते हैं। हाँ कौन ये देखो शेषनाग
अति सुंदर। ये देखिए एंट्रेंस है, सामने ही मंदिर। ये देख सकते हो सामने ही मंदिर, कॉरिडोर के सामने ही मंदिर है, मंदिर का एंट्रेंस है। और ये पीछे का व्यू है जिसे आप देख सकते हो, बहुत सुंदर बना हुआ है। ये देख सकते हो और आगे अपन शंकर भगवान की प्रतिमाएँ दिखाएंगे आपको, जो बहुत सुंदर है। ये देख सकते हो इधर हनुमान जी, हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज स्थापित हैं। ये देख सकते हो, जय श्री हनुमन्ते नमः। ये देख कितनी सुंदर है, ये देख सकते हो नज़ारा, बहुत खूबसूरत है। ये देख सकते हो पीछे का नज़ारा, देख सकते हो आप, बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं शंकर भगवान के अलग अलग रूप। ये और आगे दिखाते हैं आपको। दीना हर हर महादेव। हर हर महादेव। माकाल कॉरिडोर टूर करवा रहे हैं आपको, गला खराब हो गया भाई, ठंडा पानी पीना। ये एक सुन यादाश्त है महाकाल कॉरिडोर की यादाश्त। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा, ये आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा। नहीं तो जा रही ना अगली है। ये महाकाल कॉरिडोर अति सुंदर, देख सकते हो आप, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और अभी हम आपको और अच्छी अच्छी जगहें दिखाते हैं महाकाल कॉरिडोर के, जो अंदर बनी हुई हैं प्राचीन मूर्तियाँ, प्राचीन मंदिर, बहुत अच्छी अच्छी शैलियाँ बनी हुई है। और ये बगल में ही है भारत माता मंदिर, इधर ये भी देखने का लायक का है। बहुत ये काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो मेरे हाथ के बराबर ठीक पीछे उधर देख सकते हो भारत माता मंदिर। और ये भारत माता निवास स्थान है, सभी एक सिर के खंभे लगे हुए हैं,
ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो बहुत सुंदर बना हुआ है। और भी आगे बहुत सारी प्रतिमाएं वो भी हमें आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर बना हुआ है। बीच में बाग, लाइटिंग सेटिंग, जो रात का नजारा है बहुत सुंदर है। टीना जो भी बोल इसके बारे में बोल बोल, बहुत मस्त वाला जगह है। यस, आगे आगे बोलो, क्या बोले आगे? महाकाल आने पर इनका दर्शन जरूर कीजिए। और कॉरिडोर और महाकाल मंदिर अलग अलग नहीं है, एक ही है। कॉरिडोर और महाकाल मंदिर का रास्ता भी एक ही है और अलग अलग बना, अच्छा बना हुआ है। ये हो रहा है इधर समुंदर मंथन की झांकी का भी दर्शन कर सकते हो आप मेरे पीछे, अति सुंदर है। और भगवान शंकर भगवान विश्व का ग्रहण करते हुए प्रतिमाएं बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये देख सकते हो कॉरिडोर के अंदर ही बना हुआ है सब कुछ। ये जे 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 कोई जो है मतलब शेषनाग समुंदर मंथन रो वीडियो है, समुंदर मंथन। ये देख सकते हो मेरे पीछे सुब्रा नदी है और उसी के कॉर्नर पे बना हुआ है, किनारे पे बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर। ये देख, नाइट का व्यू है, बहुत सुंदर है। कैमरे में तो आपको कैसा लग रहा होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन अच्छी है और रियल में देखने का मज़ा ही अलग है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हो आप, अति सुंदर बना हुआ है, कैमरे में इतना साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये देखो नाइट का व्यू, ये देख पूरा। ये देखो ये ऊपर नहीं चढ़ने का, ये सुप्रा नदी है और सुप्रा नदी के किनारे बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर, उसका पावर ऑफ रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए प्रतिमा है, अति सुंदर। ये देख सकते हो वीडियो, इधर लोग आ गए ना, ये चलो थोड़ा घुमाओ पानी, ये बच भरू लो, बच बैठने करो, बच लो ये बरोबर आई ये अच्छे ये मैं भूत कर ना कोई दादी कहीं कल है।
बहुत सुंदर नज़ारा है ये। यहाँ पे नंदी द्वार है और ये त्रिशूल, और इसका भी दर्शन करवाएंगे आपको, जो बहुत खूबसूरत है। त्रिशूल और चंद्रमा जी के दर्शन दोनों एक साथ शिव जी के डम रूप से। जय शंकर। ये देखो डमरू और त्रिशूल, नंदी भगवान का गेट। ये देखो चेतना, बेबी चेतना, ये दंदू टीना, लोटस में विराजमान है श्री शंकर भगवान, उनकी भी प्रतिमाएं आप देख सकते हो, ठीक मेरे पीछे है, ये देख सकते हो अभी सुंदर बना हुआ है। रात का भी थोड़ा ब्लर है लेकिन आप एडजस्ट कीजिए, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये नीचे देख के जाइए, ये देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है महाकाल कॉरिडोर का। आनंद आ गया है भाई, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा अच्छा नज़ारा है। फाउंटेन अभी बंद है, नहीं तो आपको हम फाउंटेन का भी लुक दिखा थे, लेकिन बहुत सुंदर है। फाउंटेन अभी बंद है, नहीं तो फाउंटेन भी बताते आपको, अभी ओपन नहीं किया लगता है। बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो मेरे पीछे, देखो ज़बरदस्त व्यू, मस्त वाला व्यू है। ये देख सकते हो, ये रात्रि को 8 बजे का सीन है और ये ओमकार की धुनी चलती रहती है यहाँ पे, जो मन को शांति पहुँचाती है। ये देखो मेरे पीछे बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है, ये देखो पूजा पप्पा के, बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है। माँ का मंदिर घूमने का रात्रि का मजा अलग ही है, अलग ही होता है, आपको क्या बताएं, जबरदस्त है। ये देखो ठीक है, ये देखो बहुत सुंदर नज़ारा, स्पीड से बदल गया। ये देखो
जब तक उसका घर उसको मालूम हो रखते हैं उसको मालूम हो जाता आएगा कि फाइनली हम महाकाल कॉरिडोर पूरा घूम चुके हैं, अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। बीच में ये थोड़ा आगे बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई है, जबरदस्त नाइट का व्यू तो अमेजिंग, बहुत जबरदस्त व्यू। उस काम त्री देवी क्या दर्शन कीजिए, पीछे त्री देवी दर्शन, ये देखो जबरदस्त सतम अल्लाह बेटा। चलो चलो चलो, ये देखो चेतना, बेबी चेतना देखो, बेबी चेतना। ये भरत लाइट फोड़ दे कटे, ये देख सकते हो चेतना। इधर आओ पानी में जा, पानी में जाना, इधर आओ, रुको मत, आलो ये गिर का, चलते रहिए। बहुत सुंदर कारीगरी की हुई है कारीगरों के द्वारा, ये देख सकते। नाइट देखने का व्यू अलग ही है, बहुत औसम है। भरत इधर आ जा, बहुत अच्छा सुंदर दर्शन किए हमने और कॉरिडोर पूरा घूम नहीं पाए, इतना बड़ा कॉरिडोर है, लेकिन मोस्टली 90% हमने घूम लिया। अति सुंदर है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कुछ बना हुआ है इधर। ये देखो ये बेटे हैं देखो,
Gracias.